ओके बच्चों, आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। डिजाइन क्या है और इनके बारे में जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं उनमें किन किन चीजों का आप ध्यान रखना। बच्चों, एंजाइम्स के बारे में आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग जो है वो स्टार्ट से कुछ इनके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हैं कि दीज आर दी कैटलिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, यहाँ पे मैं स्पीड या रेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद, इंट्रोडक्शन लेने के बाद मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगी कि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किसी केमिकल रिएक्शन के रेट या स्पीड को इफेक्ट करते हैं। एंजाइम का उस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स या फ्री एनर्जी वैल्यू पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ कि एंजाइम ओनली इफेक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स का रिएक्शन की जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं होता। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उसके रेट को इंक्रीज करते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये खुद कंज्यूम नहीं होते। अगर आप जो है वो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को देखें तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और बाइंडिंग के बाद उसके अंदर कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, और आफ्टर दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन आपका जो सब्सट्रेट है वो केमिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है या केमिकली कन्वर्ट हो जाता है इंटू प्रोडक्ट, और आपका जो एंजाइम है वो उसी तरह से जैसे वो स्टार्टअप रिएक्शन में प्रेजेंट था वो आपके पास यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में इटसेल्फ कंज्यूम नहीं होते, बल्कि ये उस केमिकल रिएक्शन में सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में क्या करते हैं, यूज होते हैं, और इटसेल्फ जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। अब अगर आप एंजाइम की इंपॉर्टेंस की बात करते हो तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो कि विदाउट एंजाइम है, कोई भी ऐसा पाथवे नहीं है जो कि एंजाइम्स की जो है वो इन्वॉल्वमेंट के बगैर एफिशिएंटली हो रहा हो, ठीक है। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज को देखते हैं, जिसमें आपके पास एक प्रोसेस है डाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। डाइजेशन के बाद आपके पास ग्रोथ का प्रोसेस है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। इन दो बेसिक प्रोसेसेस को अगर हम देखते हैं तो इन दो प्रोसेसेस में भी एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट है। लाइक आप डाइजेशन की बात करते हो कि आप ग्लूकोज को ले रहे हो एज अ फ्यूल, प्रोटीन्स को इनटेक कर रहे हो, या फिर आप लिपिड्स को ले रहे हो। इनमें से किसी भी किस्म के फूड मॉलिक्यूल को कंज्यूम करने के बाद जब तक आपके पास एंजाइमेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आप इस फूड से एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर आपने जो है वो अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी आपकी फूड से आती है, बट अगर एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आप उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और उसके बाद आगे जो प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी मेटाबोलिक पाथवेज हैं, चाहे वो कैटाबोलिक इन नेचर हो या फिर वो एनाबोलिक इन नेचर हो, इन सब केमिकल प्रोसेसेस के लिए आपको एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। चाहे किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है या किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इन केमिकल रिएक्शंस को ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म होने के लिए एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अब एंजाइम को जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि एंजाइम आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो इसका मतलब है कि आप एंजाइम्स और कैटलिस्ट के दरमियान जो कंपैरिजन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली एंजाइम और कैटलिस्ट में किस चीज का डिफरेंस है। तो एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन अगर हम एक कैटलिस्ट जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो यूजली ये एक मेटल आयन होता है, ठीक है, जो कि आपके किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करने के लिए यूज होता है। लेकिन एंजाइम के अंदर जो इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है या उसको स्पीड अप करता है, वो नॉर्मली उसके एक एक्टिव पोर्शन की वजह से होती है, ठीक है। एंजाइम्स आपके जो है वो मेटल आयंस नहीं है, बल्कि एंजाइम्स आपके जो है वो प्रोटीन्स हैं, आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं आप उनको कह सकते हो, जिनके अंदर एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिस पोर्शन के अंदर कुछ खास किस्म के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सब्सट्रेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं
और सबस्ट्रेट के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस लेके आते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एंजाइम्स का जो कैटालिसिस की पावर है, एंजाइम की जो कैटालिटिक पावर है, वो नॉर्मल कैटालिस्ट के मुकाबले में भी बहुत ज्यादा है। और वो क्यों ज्यादा है? बिकॉज एंजाइम के पास एक खास किस्म का केमिकल इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, जो कि ना सिर्फ सब्सट्रेट को अपने साथ बाइंड कराता है, बल्कि बाइंडिंग के बाद वो उसके अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आता है। तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि आपके जो एंजाइम्स हैं वो नॉर्मल कैटालिस्ट के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज ये इटसेल्फ यूज भी नहीं होते। अगर आप बाकी मेटल आयंस या कैटालिस्ट की बात करें तो हो सकता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये कंज्यूम हो जाए, लेकिन आपके जो एंजाइम्स हैं ये सब्सट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, कैटालिसिस परफॉर्म करते हैं और इटसेल्फ रीजनरेट भी हो जाते हैं। यानी आपको अगर किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन को देखना है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन में आपके पास एंजाइम की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो कंपैरेटिवली एंजाइम से कंपेयर करके मैं कह रही हूँ, ठीक है, वो ज्यादा हो सकती है। सेकेंड पॉइंट मैंने आप लोगों से कहा है कि कैटालिस्ट के मुकाबले में एंजाइम की जो सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी है वो स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। और मेरी आप लोग प्रीवियस पॉइंट से इसको रिलेट कर सकते हो कि बिकॉज एंजाइम के अंदर एक ऐसी पॉकेट है, एंजाइम के अंदर एक ऐसी कहने के पोर्शन है जो कि सब्सट्रेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, सब्सट्रेट को बाइंड कर सकता है, इसलिए एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो कैटालिस्ट के मुकाबले में ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये खास किस्म की सब्सट्रेट को बाइंड करते हैं और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या करवाते हैं, कैटालाइज करवाते हैं। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर पॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये पॉजिटिव ग्रुप सब्सट्रेट के अंदर प्रेजेंट नेगेटिव ग्रुप के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करके इसको अपने साथ बाइंड करवाता है। अब अगर आपके पास एक सब्सट्रेट ऐसी आ जाती है जिसका स्ट्रक्चर तो इससे मिलता जुलता है लेकिन उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये सब्सट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगी। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड डिसाइड करते हैं कि इन्होंने किस सब्सट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाना है। ठीक है, तो जिस अमाइनो एसिड की साइड चेन सब्सट्रेट के ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर सकती है वो उसको बाइंड करेगा, और जिस सब्सट्रेट के साथ इन अमाइनो एसिड की इंटरेक्शन नहीं बन सकती, इस केस में एंजाइम उसको बाइंड भी नहीं करेगा। सो एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू द रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय द कैटालिस्ट। इस तरह से आपके जो एंजाइम्स हैं ये एक्वियस मीडियम के अंदर भी वर्क करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलेजिस हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे आपने देखा है कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब अगर आपने इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे विच आर पेप्टिडेजिस, ये एंजाइम्स वाटर मॉलिक्यूल को यूज करते हुए इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बॉन्ड बना था तो आपने ये चीज देखी थी कि कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव हुई थी और फिर आपके कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना था। अब अगर आप इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो इट मीन्स कि आपने हाइड्रोक्साइल ग्रुप कार्बन को रिटर्न करना है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन को रिटर्न करना है, तो इसका सोर्स क्या होगा, वाटर होगा। सो एंजाइमेटिक रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाटर के अंदर हो रहे होते हैं, ये वाटर को यूज करते हुए अपना जो कैटालिसिस का मैकेनिज्म है उसे परफॉर्म करते हैं। एक तो रीजन मैंने ये बता दी, इसके अलावा आपके एंजाइम के जो एक्टिव साइट के अंदर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली ये एसिड बेस्ड कैटालिसिस के थ्रू वर्क करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने अमाइनो एसिड हिस्टिडीन करवाया था तो वहां पे मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पढ़ने को कहा था कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम की एक्टिव साइट में हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हिस्टिडीन की क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप लोगों से मैंने पढ़ने के लिए कही थी और ये आप लोगों को पढ़नी चाहिए। ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि सोल्यूशन की पीएच के मुताबिक, हिस्टिडीन की आप एग्जांपल ले लो, एस्पार्टिक एसिड की एग्जांपल ले लो, ग्लूटामिक एसिड की एग्जांपल ले लो, यानी जितने भी आपके एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड हैं, ये अमाइनो एसिड जो है इनकी साइड चेन सोल्यूशन की पीएच के मुताबिक प्रोटोनेट भी हो सकती है और डी प्रोटोनेट भी हो सकती है। इसका मतलब है कि ये एज एन एसिड भी एक्ट कर सकती है और बेस भी एक्ट कर सकती है। तो आपकी अमाइनो एसिड की एक्टिव साइट में ये एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड एसिड बेस कैटालिसिस के थ्रू वर्क करते हैं, यानी ये मीडियम में से प्रोटॉन पिक भी कर सकते हैं और मीडियम में प्रोटॉन रिलीज भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये एक्वस मीडियम के अंदर प्रोटॉन्स का एक्सचेंज ज्यादा होता है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो
वो एक्वियस मीडियम के अंदर हो रहे होते हैं, यानी एक्वियस मीडियम में या तो वो प्रोटॉन रिलीज करते हैं या प्रोटॉन को पिक करते हैं, या फिर वाटर को यूज करते हुए वो एक खास किस्म के बॉन्ड को ब्रेक करने का भी पोटेंशियल रखते हैं। तो हमेशा एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन जो है ये वाटर को एज अ हेल्पर यूज करते हुए अपने कैटालिटिक मैकेनिज्म में फिर यूज करते हैं। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वियस सॉल्यूशंस के अंदर हो रहे होते हैं। और अगर कैटलिस्ट के मुकाबले में आप एंजाइम की वर्किंग कंडीशन की बात करो, तो आप लोगों को पता है कि कैटलिस्ट, आप अगर देखो किसी भी कैटलिस्ट को आप कंपेयर करो, लाइक हम जब हैबर प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आप इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर आयरन को यूज करते हो, ठीक है, तो इस केस में आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर आपका ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो जो आपके कैटलिस्ट हैं ये बहुत एग्रेसिव कंडीशन के ऊपर वर्क करते हैं। कैटलिस्ट को किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप यूज करते हो तो आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना होता है, जबकि अगर आप इंजाइम की बात करते हो तो इंजाइम्स क्योंकि बायोलॉजिकल कंडीशन के अंदर वर्क करते हैं और बायोलॉजिकल कंडीशन में आपके पास टेम्परेचर और पीएच की रिक्वायरमेंट बहुत माइल्ड सी रिक्वायरमेंट है, तो इन एंजाइम्स को यूज करते हुए आप लोगों को इतना हाई टेम्परेचर और इतनी हाई पीएच या सॉल्ट कंसेंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एंजाइम्स माइल्डर कंडीशंस के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। तो दीज आर सम यू कैन से कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स जो के कैटलिस्ट से कंपेयर करके आप बता सकते हो कि ये ज्यादा आइडियल है एज कम्पेयर टू कैटलिस्ट, एंजाइम्स जो है वो ज्यादा आइडियल कैटलिस्ट है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। जैसे अभी मैंने बताया कि एंजाइम्स और कैटलिस्ट को हमने कंपेयर किया, तो अब हम देखते हैं कि एंजाइम्स हमें किस किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, एंजाइम्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, और उसके बाद हम एंजाइम्स की जो वर्किंग है उसके ऊपर जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। तो पहला, जैसे मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप लोगों के जो एंजाइम्स हैं दे आर सेंट्रल टू एवरी बायोकेमिकल प्रोसेस, चाहे वो डाइजेशन का प्रोसेस है चाहे वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके कैटाबोलिक और एनाबोलिक जो प्रोसेसेस हैं वो नहीं हो सकते, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवेज जो हैं वो एंजाइम डिपेंडेंट है। एंड बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, हमारी बॉडी के अंदर इन बायोमोलिक्यूल्स के कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवेज ऑल द टाइम चलते रहते हैं, इसका मतलब है कि वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी एंजाइम। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को एज एन एग्जांपल दिया गया है कि आप डीएनए का अगर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हो तो आप ये कहते हो कि दिस इज एन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें आपके जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अनवाइंड हुए होते हैं। अब सपोज यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, इस सीक्वेंस में किसी जो है वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप चाहते हो कि ये पोर्शन अनवाइंड हो और इससे मैसेंजर आरएनए बने, तो वी हैव सर्टेन एंजाइम्स जो कि डीएनए के इस पोर्शन को ओपन करेगा, यानी आपके पास बाकी पोर्शन इस तरह से अगर आपके पास है वो डुप्लीकेट फॉर्म में रहेगा और ये पोर्शन अनवाइंड होगा इस तरह से। सो दीज एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हेलिकेसेस। ठीक है, तो इवन आपको डीएनए को अनवाइंड करने के लिए भी एक एंजाइम रिक्वायर्ड है, और ये एंजाइम कौन सा है, हेलिकेस एंजाइम है। सो हेलिकेस फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन करेगा, देन आपके पास यहाँ पे डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आपने इस डीएनए से नया डीएनए बनवाना है या इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना है। अगर मैसेंजर आरएनए बनाना है तो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि इस सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल कि आपकी लाइफ का कोई भी जो प्रोसेस है वो एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। सेकेंड, मैंने आप लोगों को डाइजेशन की एग्जांपल दी थी, और इधर आप देख सकते हैं कि यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, और इन तीनों को अगर आप देखें तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में हम डाइट में इंटेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, देन लिपिड्स लेते हैं, और हमारी जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें मल्टीपल एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं जो कि पहले इन पॉलीमेरिक कंपाउंड्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करके इनको इनकी मोनोमेरिक फॉर्म्स के अंदर लेके आते हैं। फिर आपकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, दीज सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड कि ये सिर्फ मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर जो आपके होंगे कंपाउंड्स उनको यहाँ से पास करने देंगे। ठीक है, तो जब ये आपके पॉलीमेरिक कंपाउंड्स एंजाइमेटिक इन्वॉल्वमेंट के बाद मोनोमर्स में कन्वर्ट होंगे तो तभी ये ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकते हैं, और फिर ये आपका जो ब्लड है
ये पूरी बॉडी के अंदर इन अमाइनो एसिड्स को, ग्लूकोज को और फैटी एसिड्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि किसी स्टेज पे भी कोई एंजाइम अगर अवेलेबल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर फ्यूल को एज अ डाइट कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ये ब्लड में नहीं जाएगा, और अगर ये ब्लड में नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि सेल्स इसको अपटेक नहीं कर सकते और इससे एनर्जी नहीं ले सकते। तो अगेन एंजाइम्स जो है दे आर नेक्स्ट है कि एंजाइम की इम्पोर्टेंस ये भी है कि अगर आपके पास समटाइम्स किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से कोई खास किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें एक एग्जांपल आपके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस है। आपके पास जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो शुगर्स हैं वो हमेशा अपनी मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। अगर किसी शुगर को हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम जो है वो जीआई ट्रैक में अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी वो शुगर यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आएगी। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो कि अगर किसी वजह से, किसी इनहेरिटेड आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कोई एंजाइम आपकी बॉडी में नहीं बनता तो एंजाइम के ना होने की वजह से एक खास किस्म की डाइट को आप जो है वो एक खास किस्म की शुगर को एज अ डाइट कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे लैक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायसैकेराइड जिसमें आपके पास दो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, एक तरफ ग्लैक्टोज और दूसरी तरफ आपके पास ग्लूकोज होता है और इनके दरमियान जो बॉन्ड है जिस बॉन्ड इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हमारी जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है जो बैठने इसको फॉर एग्जांपल एज अ फूड कंज्यूम किया और माउथ से ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, और ये पोर्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का पोर्शन है। अगर तो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, लैक्टेज का सेकंड नेम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम भी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों शुगर्स के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ग्लैक्टोज को अलग कर देगा और ग्लूकोज को अलग कर देगा, और आप क्योंकि अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में है तो यहाँ से ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ब्लड इनको थ्रू आउट द बॉडी क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट अगर आपके किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, यानी आपके डीएनए में किसी किस्म की म्यूटेशन हो गई है और वो म्यूटेशन इनहेरिट हो गई है, पेरेंट से डॉटर सेल्स में चली गई है, जिसकी वजह से आपके आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम बनना रुक गया, अगर लैक्टेज बनना रुक गया है तो इसका मतलब है कि अगर आप लैक्टोज को कंज्यूम करोगे जो कि नॉर्मली एक मिल्क शुगर है, इसका मतलब है कि जो न्यू बॉर्न है उनका जो पहला आप कह लो कि जो डाइटरी सोर्स है वो मिल्क ही है ना, तो उनके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है लैक्टोज ये उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, और अगर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो लैक्टोज को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये एक हमारे लिए एंजाइम की इम्पोर्टेंस है कि एंजाइम की वजह से अगर किसी किस्म की म्यूटेशन की वजह से कोई पर्टिकुलर एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनता तो ये डेडली कंडीशन कॉज करवा सकता है, बिकॉज जो न्यू बॉर्न है उनके लिए प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी मिल्क है, और अगर वो मिल्क शुगर को भी कंज्यूम नहीं कर सकते तो ये उनके लिए उनकी जो हेल्थ है उस पर इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं। इसकी इसी चीज की इलस्ट्रेशन यहाँ पे इस फिगर की फॉर्म में दिखाई गई है कि नॉर्मली आपके पास जो मिल्क शुगर है लैक्टोज इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है लैक्टेज, और जब लैक्टेज जो है वो डायसैकेराइड के ऊपर वर्क करता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्रोड्यूस होती है जो कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सपोज दिस इज ब्लड। लेकिन अगर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से लैक्टेज एंजाइम अवेलेबल नहीं है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लैक्टेज अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों शुगर्स के दरमियान जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और आपकी यहाँ से जो शुगर्स हैं वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं आ रही हो रही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लड में किसी किस्म की शुगर जो वो नहीं आ रही, आपकी ये पूरी की पूरी डायसैकेराइड लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी। आपको पता है कि मेजर जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, और अगर कोई इसकी शुगर या कोई भी मॉलिक्यूल इनडाइजेस्टिबल है तो मतलब है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ब्लड में नहीं जा रहा, तो ये इनडाइजेस्टिबल मटेरियल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, इनको भी एनर्जी की जरूरत है, तो अगर ये लैक्टोज ये इंडिविजुअल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसके ब्लड में नहीं जा सकता, तो ये बैक्टीरिया इसको मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपके पास एंजाइम्स नहीं है लेकिन बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है, इसको अपनी एनर्जी पर्पस के लिए कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और आपको पता है कि बैक्टीरिया जब इस फूड को कंज्यूम करेंगे तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए से प्रोड्यूस करेंगे एसिड और आपके पास यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज द रीजन कि आपके पास जो लैक्टोज इनटॉलरेंस वाले पर्सन हैं वो लैक्टोज को
ऐसा डाइट कंज्यूम भी नहीं कर सकते, और वो हमेशा गैस की कंप्लेंट भी करते हैं। यानी कोई भी मिल्क प्रोडक्ट अगर वो कंज्यूम करते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट के बाद वो जो है इंटेस्टिनल डिसकंफर्ट या ब्लॉटिंग की कंप्लेंट करते हैं। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि उनकी शुगर को वो मेटाबोलाइज नहीं कर रहे, बल्कि बैक्टीरिया मेटाबोलाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एब्डोमिनल पोर्शन है उसमें गैस उनको फील होती रहती है। तो अभी मैंने जो थर्ड पॉइंट आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है, दिस इज एक्सेसिव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये भी रिलेट कर सकती है विद दिस डिजीज कंडीशन। सो लेट्स सी कि किस तरह से एंजाइम की एक्सेसिव एक्टिविटी डिजीज कंडीशन कॉज करवा सकती है। लोगों को ये पता है कि हमारे पास जब भी किसी भी ऑर्गेन के अंदर किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स होना होता है, तो उसकी जो एंड इंफॉर्मेशन होती है, जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, वो ब्रेन से आती है। ठीक है, ब्रेन जो है वो डिफरेंट न्यूरॉन्स की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक सेल तक पहुंचाता है। सपोज हम यहाँ पे मसल की एग्जांपल लेते हैं कि ब्रेन ने किसी मसल सेल को अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो दरमियान में इसने मल्टीपल जो न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली पहुंचानी होती है किसके, मसल को। अब ये आपके पास जो है वो एक न्यूरॉन है, और ये एक न्यूरॉन का पोर्शन है एक्सॉन, एंड दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी सपोज ये आपके पास जो है न्यूरॉन, ये बिल्कुल एडजेसेंट प्रेजेंट थी ब्रेन के, और ब्रेन ने इस न्यूरॉन के थ्रू अगले न्यूरॉन और फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मल्टीपल न्यूरॉन का एक जो ट्रैक है, उस ट्रैक से इंफॉर्मेशन उसने कहाँ तक पहुंचानी है, मसल सेल तक पहुंचानी है। जिस न्यूरॉन ने कोई ब्रेन की तरफ से सिग्नल भेजना होता है, वो सिग्नल को एक खास किस्म के मॉलिक्यूल की फॉर्म में भेजती है, एंड द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज एसिटाइल कोलीन। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेन ने इस न्यूरॉन को डिक्टेट किया कि तुमने नेक्स्ट न्यूरॉन को भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो ये क्या करेगा, ये सेल, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलीन की फ्यूजन करवाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक एक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा एसिटाइल कोलीन। दिस एसिटाइल कोलीन विल बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वेसिकल, और ये सेल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ये सेल अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे सेल तक भेजेगा विद द हेल्प ऑफ अ मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलीन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिटाइल कोलीन का रिसेप्टर दूसरे सेल पे प्रेजेंट है। जब एसिटाइल कोलीन इस रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करेगा, तो दूसरे सेल को ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि पिछले सेल ने से एक खास किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन एसिटाइल कोलीन एंड एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर विल ब्रिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टुवर्ड सेकेंड न्यूरोन। ठीक है, अब जब ये इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन तक पहुंच जाएगी, तो आपका ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, इस सिग्नल मॉलिक्यूल ने डीग्रेड होना है। और इसको डीग्रेड करने के लिए यहाँ पे एक खास किस्म का एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज। ये क्या करता है कि जब एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपनी इंफॉर्मेशन उसको दे चुका है, उसे बता चुका है कि ये इंफॉर्मेशन पिछले सेल ने तुम्हारे लिए भेजी है, तो यहाँ पे जो एंजाइम अवेलेबल होगा एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, वो इस पूरे के पूरे सिग्नल मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा, एसिटेट ग्रुप को अलग कर देगा और कोलीन को अलग कर देगा, जो कि वापस इस सेल के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब है कि एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज यहाँ पे इस मैसेज को जो है वो ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है, इस मैसेज को ब्रेक कर देगा। जब ये अपना अपनी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल तक पहुंचा चुकी है, तो उस केस में आपके पास ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, ये ब्रेक हो जाएगा। नाउ अगर आपके पास एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज की जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी होगी, यानी ये सुपर एक्टिव होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही आपका ये सिग्नल मॉलिक्यूल इस सेल से बाहर आएगा, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज क्योंकि सुपर एक्टिव है, ये इस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं करने देगा, उसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करने से पहले ही ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके एक एंजाइम की एक्सेसिव एक्टिविटी एक खास किस्म की डिजीज को कोरिलेट कर सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज के समटाइम एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज हैं, प्लाज्मा एंजाइम्स की एक्टिविटीज, वो हमें किसी पर्टिकुलर डिजीज को समझने में हेल्प करती हैं। प्लाज्मा एंजाइम एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा कि आपके कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि किसी खास किस्म के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज की और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज की, ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं
जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और लीवर के अंदर ये यूरिया साइकिल के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। यूरिया साइकिल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ लीवर के अंदर हो रहा होता है, किसी दूसरे सेल के अंदर नहीं होता। इसलिए ये दो एंजाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, बाकी सेल्स में भी एक दो एक्सेप्शन है, लेकिन अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसमें आपने सिर्फ लीवर की ही बात करनी है, ठीक है। ये दो एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी 90% जो एक्सप्रेशन है वो लीवर के अंदर होता है, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अगर आप ब्लड में देखें तो ब्लड में ये एंजाइम ना होने के बराबर होते हैं, इनकी कोई क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं होती। अब समटाइम्स क्या होता है कि कोई फॉरेन पैथोजन आके लीवर के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। आप इसमें कोई भी ऐसा वायरस देख सकते हैं जो कि लीवर को टारगेट करता है, जिसमें HCV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, या फिर आप जॉन्डस की कंडीशन देख लेते हैं जिसमें आपके लीवर के सेल्स जो है वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर लीवर डिजीज की वजह से आपके लीवर सेल्स जो है वो ब्रेक होना शुरू हो देंगे, सपोज ये एक पर्टिकुलर हेपेटोसाइट था जिसमें AST और ALT प्रेजेंट थे, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, किसी पैथोजन की रिस्पांस में या फिर जॉन्डस के रिस्पांस में ये सेल जो है ये ब्रेक होना शुरू हो गया। ब्रेक होने का मतलब है कि इसमें जितने कंटेंट थे ये सारे के सारे कंटेंट प्लाज्मा में रिलीज कर देगा, और इन कंटेंट में आपके पास ये एंजाइम्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर लीवर सेल्स ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्लाज्मा के अंदर इन दोनों एंजाइम्स की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले तो ये प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि प्लाज्मा का कोई फंक्शन नहीं है, एंजाइम वहीं पे बनते हैं ना जहां पे इन्होंने अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये दो एंजाइम्स पहले प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जब किसी किस्म की डिजीज आई लीवर के अंदर तो लीवर सेल्स चूंकि ब्रेक होना शुरू हो गए तो आपके इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। अब अगर आप प्लाज्मा के अंदर इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को चेक करो या इन एंजाइम्स की क्वांटिटी को चेक करो और आपको वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलती है, तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपके लीवर में किसी किस्म की कोई डिजीज है। तो आपके जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं जिसमें आप लोग जॉन्डस का टेस्ट करवाते हो, अगर किसी स्टूडेंट ने कभी करवाया हो HCV का टेस्ट, जॉन्डस का टेस्ट या कोई सा भी लीवर टेस्ट, तो उसमें आप लोग जरूर देखोगे कि आपके प्लाज्मा का सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन चेक की जाती है, AST की और ALT की। और अगर इन दो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा है तो ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके जो लीवर सेल्स हैं या जो हेपेटोसाइट्स हैं उनकी क्या हो रही है, ब्रेकेज हो रही है या उनमें डिसरप्शन हो रही है। तो आप एक तरह की जो है वो कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि इस केस में आपके जो है वो लीवर के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है। फिर आप जो है वो पर्टिकुलरली देखते हो कि किस किस्म का इन्फेक्शन है, उसको फर्दर आइडेंटिफाई करते हो। तो प्राइमरी लेवल ऑफ स्क्रीनिंग आप प्लाज्मा से करते हो, ठीक है। तो आपके कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटीज प्लाज्मा के अंदर सिर्फ उसी केस में ज्यादा होती हैं जब एक पर्टिकुलर सेल या टिश्यू में कोई डैमेज होता है, और प्लाज्मा लेवल ऑफ एंजाइम्स को चेक करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी डिजीज किस ऑर्गन या किस टिश्यू के अंदर। लास्ट पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम ड्रग्स डिजाइन करते हैं, ये ड्रग्स भी हम किसी एंजाइम के अगेंस्ट ही क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। लाइक आप लोग जब बायोकेमिस्ट्री 2 में जाओगे ना, तो अभी ये पास पे आप लोगों को सिर्फ मैंने एग्जांपल देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ऐड की है, तो आपने इस तरह से नहीं देखना, ठीक है। ये पूरा पास पे आप लोग बायोकेमिस्ट्री 2 में पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो सिंथेटिक ड्रग्स बनाते हैं उन ड्रग्स में भी हम एक पर्टिकुलर एंजाइम को टारगेट करते हैं, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करके हम एक पर्टिकुलर डिजीज को रोक सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट के घर में कोई कोलेस्ट्रोल पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है और आप लोग उनकी मेडिसिन को देखते हैं, तो वहां पे कोई ना कोई एक मेडिसिन आपको जरूर ऐसी मिलेगी जिसके ऊपर आपकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि इट इज अ इनहिबिटर ऑफ कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ठीक है। यानी आपकी ये ड्रग जो है ये एक एंजाइम को रेगुलेट कर रही है। अब HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल बनाने वाले पाथवे में यूज होता है, ठीक है। और अगर आप इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दो, इसका कोई इनहिबिटर ऐसा ड्रग के तौर पे आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, तो इसका मतलब है कि ये एंजाइम कोलेस्ट्रोल अब नहीं बना सकता। तो आप कोलेस्ट्रोल के लेवल को क्या कर सकते हो, नॉर्मलाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो दैट्स अ रीजन कि आप अगर किसी पर्टिकुलर जो है वो मॉलिक्यूल की बायोसिंथेसिस को इफेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसके इनहिबिटर को जो है, आप उसके जो एक पर्टिकुलर एंजाइम जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहा है, उस एंजाइम के लिए इनहिबिटर को डिजाइन करते हो एज अ ड्रग,
और वो इनहिबिटर क्या करती है, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक ड्रग सेटिंग आपका जो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है ये वर्क नहीं कर सकता. और अगर ये वर्क नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर भी वर्क करते हैं. लाइक आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हो, फूड इंडस्ट्री की बात करते हो, इसके अलावा हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज के अंदर भी एंजाइम्स यूज होते हैं. लाइक यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रूट जूस इंडस्ट्री को हाईलाइट किया है कि आप नॉर्मली देखते हो कि हम लोग अगर किसी भी फ्रूट से जूस जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस फ्रूट का तकरीबन 50% पोर्शन जो है वो पल्प की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है. लाइक अगर आप एक ऑरेंज से जूस को एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपके पास हार्डली वो जो है वो इतना सा जूस निकलेगा ग्लास का, और बाकी जो पूरे का पूरा आपका फ्रूट है उसका पल्प वो वेस्ट में चला जाएगा. लेकिन आपके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इस वेस्ट पल्प को भी हाइड्रोलाइज कर लेते हैं और उसमें से भी जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर पेक्टिनेसिस. ठीक है, और इनको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं जहां पे आप लोगों ने ज्यादा यील्ड लेनी होती है जूस की. ठीक है, तो दीज आर द एंजाइम्स जो कि इंडस्ट्रियल एंजाइम्स हैं जो कि फ्रूट जूस इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, और इनकी वजह से जो फ्रूट से निकलने वाला जूस है उसकी यील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इवन ये जो प्लांट के इनडाइजेस्टिबल पोर्शन है फ्रूट के, जिसमें आपके पास है वो बाहर इसका जो पील है वहां से भी ये जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. यानी पूरे के पूरे एक फ्रूट को क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं, और इसमें से जितना भी जूस निकल सकता है मैक्सिमम क्वांटिटी में वो क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाई ये एंजाइम्स इंडस्ट्रीज में भी इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं इन प्रोसेसेस के लिए. ठीक है, अब यहाँ से हमने ये चीज को देखने के एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के साथ एग्जांपल्स हमने देखी और फिर हमने ये चीज कंक्लूड की कि यस एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टडी एंजाइम्स. हम देखते हैं कि एंजाइम्स के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हमने देखना है, और सबसे पहले कौन सा एंजाइम जो है वो आइसोलेट हुआ और किस साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया. इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैं इसलिए रेफर कर रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग अगर किसी स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होते हो फॉर एमफिल और पीएचडी तो उधर ये कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि इन चीजों को भी साथ साथ आप लोगों ने लेके चलना है कि पहला कौन सा एंजाइम था जो कि आइसोलेट हुआ था, और किस साइंटिस्ट ने उस एंजाइम को आइसोलेट किया था, किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एंजाइम के लिए एंजाइम की टर्मिनोलॉजी को यूज किया था. ठीक है, तो हम हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स को भी देख लेते हैं. एंजाइम बच्चों आप लोगों को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट है, और आप लोगों को वाइटल फोर्स थ्योरी भी याद होगी कि स्टार्टिंग में ये चीज कही जाती थी कि जो कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन कंपोनेंट को आइसोलेट करना या इन कंपोनेंट को लैब कंडीशन के अंदर जो है वो यूज करना इम्पॉसिबल है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम आर्टिफिशियल लैब कंडीशन के अंदर जो है वो यूज नहीं कर सकते बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर इनसेपरेबल. इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट या सेपरेट नहीं कर सकते, एंड दिस थ्योरी वाज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी. और इस पास्चर ने लुईस पास्चर ने जो है वो फर्मेंटेशन के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया था. आप अगर ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हो ना तो मैं पहले फर्मेंटेशन को हाईलाइट कर देती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पास्चर है उसने क्या चीज जो है वो यहाँ पर रेफर की थी. आपके पास नॉर्मली ग्लूकोज जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है पायरोवेट के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और इस पायरोवेट के पास अब फर्दर टू ऑप्शंस हैं. अगर तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो ये पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर टीसीए साइकिल में जाएगी, और टीसीए साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, एटीपी को प्रोड्यूस करेगी. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर सेल की नेचर एनएरोबिक नेचर है, यानी ये ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करता, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपने फ्यूल को ऑक्सीडाइज करता है, तो इस केस में पायरोवेट इस रूट को अडॉप्ट नहीं करेगी, बल्कि पायरोवेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स या तो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी या फिर जो है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें आपका फ्यूल ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट के बगैर अल्कोहल या लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है. अब लुईस पास्चर ने जो है वो 1850s में ये चीज हाईलाइट की थी कि एक्चुअली ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कुछ जो है वो ऐसे पोर्शन की वजह से होता है या ऐसे कंपोनेंट्स की वजह से होता है जो कि यीस्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यीस्ट आपके पास एक यूकेरियोट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
और इन कंपोनेंट्स को उसने कहा था फर्मेंट, उसे ये तो नहीं पता था कि ये एंजाइम्स हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैटलाइज कराते हैं, लेकिन उसे ये चीज पता थी कि यीस्ट सेल्स के अंदर कुछ ऐसा है जो कि फर्मेंटेशन की एबिलिटी रखता है, बिकॉज फर्मेंटेशन का प्रोसेस उसने ऑब्जर्व किया कि यीस्ट सेल की एब्सेंस में नहीं हो सकता। ठीक है, आप अगर जो है वो ग्लूकोज के ऊपर यीस्ट सेल्स को अप्लाई करते हो, इन लिविंग सेल्स को रखते हो, तो ये इन लिविंग सेल्स के अंदर कोई ऐसी मशीनरी है, कोई ऐसा ऑपरेटस है जो कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, उस मशीनरी को इसने कहा था कि दिस मशीनरी इज फर्मेंट। नाउ देयर वाज एन अदर साइंटिस्ट एडवर्ड बुचनर जिसने ये चीज कही थी कि आपके पास ये जो फर्मेंट्स हैं यानी यीस्ट के ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्टार्टिंग में लुईस पाश्चर ने कहा था कि आपकी यीस्ट सेल के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर सकती है, अल्कोहल के अंदर यानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैरी कर सकती है। तो अब ये जो अल्कोहल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, एडवर्ड बुचनर ने ये चीज कही कि सिर्फ यीस्ट सेल नहीं बल्कि यीस्ट सेल के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का वर्ड बच्चों आप लोगों को पता है कि ये किसी चीज के रिमेन्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स आर द नॉट इंटैक्ट सेल्स, ये आपके पास उस सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी यीस्ट की डिग्रेडेशन के बाद या इसकी ब्रेकेज के बाद आपके पास इसके जो कुछ रिमेन्स हैं उन रिमेन्स को आप कहोगे कि दीज आर द एक्सट्रैक्ट। अब ये आपके पास लिविंग सेल्स नहीं है, ठीक है, ये आपके पास डिग्रेडेड यीस्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं। और बुचनर ने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपके ये जो लिविंग सेल्स हैं इन लिविंग सेल्स के नहीं बल्कि इनके जो एक्सट्रैक्ट हैं ये भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसने जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और उसने ये कहा कि जो स्टार्टिंग में लुईस पाश्चर ने ये चीज कही थी ना कि फर्मेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको हम लैब कंडीशन के अंदर वर्क नहीं कर सकते बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स को आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से बचनर ने इस चीज का प्रूव दिया कि आपके पास जो यीस्ट के एक्सट्रैक्ट हैं ये लिविंग इन नेचर नहीं है, ये नॉन लिविंग है, बट स्टिल दे हैव द पोटेंशियल कि ये ग्लूकोज को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसने ये चीज कही कि हम ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो फर्मेंट्स हैं, इनको आइसोलेट करके लैब के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों को पता है कि 1826 में ऑलरेडी जो वुलर था उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, उसने यूरिया को जो कि एक लिविंग सिस्टम का कंपोनेंट है उसने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से लैब कंडीशन के अंदर यूरिया ऑलरेडी वो 1826 के अंदर बना चुका था। तो आपके पास ये जो बचनर की डिस्कवरी है ये एक्चुअली इस वाइटल फोर्स थ्योरी की ये जो रिजेक्शन वाली थ्योरी जो कि वुलर ने दी थी इसके साथ को रिलेट कर रही थी। तो दिस वाज द टाइम बुचनर के जो एविडेंस थे इसके जो रिजल्ट्स थे, इन रिजल्ट्स के बाद मल्टीपल साइंटिस्ट ने जो है वो एंजाइम्स को आइसोलेट करना शुरू कर दिया और एंजाइम्स को जो है वो लैब कंडीशन के अंदर यूज करना शुरू कर दिया। आप ओके, अब इस डिस्कवरी के बाद आपके जो मल्टीपल साइंटिस्ट हैं उन्होंने एंजाइम्स को आइसोलेट करना शुरू कर दिया और जो सबसे पहला एंजाइम आइसोलेट हुआ था जिसका यूरियाज एंजाइम, जिसका 3D स्ट्रक्चर जो है वो साइंटिस्ट ने 1926 के अंदर क्या किया था, रिपोर्ट किया था। तो ये आप लोगों ने कुछ चीजें याद रखनी है कि किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये कहा था कि एंजाइम्स को सेपरेट किया जा सकता है, किसने जो है वो एंजाइम्स के लिए एंजाइम्स की टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया था और पहला कौन सा एंजाइम था जिसको आइसोलेट किया गया था और जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो रिपोर्ट किया गया था इन 1926। अब एंजाइम्स के बारे में, चूंकि इनमें कैटालिटिक एबिलिटी होती है तो इनकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं और एंजाइम्स की नेचर को देख लेते हैं। बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि आपके एंजाइम्स मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, बट हमेशा एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते, आपके कुछ आरएनए के अंदर भी कैटालिटिक एबिलिटी प्रेजेंट होती है। Yes. और ऐसे आरएनए जो कि कैटालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं इनको हम राइबोसाइम्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स लिया तो वहां पे आप लोग ये चीज पढ़ोगे कि आपकी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि कैटालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपके पास ये जो ऐसे आरएनए हैं जिनके अंदर कैटालिटिक एबिलिटीज प्रेजेंट होती है, इन आरएनए को आप कहते हो कि दीज आर राइबोसाइम्स, जबकि 99% आपके पास जो कैटालिटिक एबिलिटी है वो प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये कहते हैं कि आपके जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स इन नेचर है, लेकिन हमेशा आपने ये चीज नहीं कहनी, ये भी चीज माइंड में रखनी है कि कुछ आरएनए के पास भी कैटालिटिक एबिलिटी होती है। ठीक है,
अब अगर आपके एंजाइम जो हैं, या अगर इनको मैं एज अ प्रोटीन लेते हुए इस डिस्कशन को स्टार्ट करूं, तो जब हमने प्रोटीन्स को डिस्कस किया था तो आप लोगों को याद होगा कि वहां पे मैंने आपसे एक चीज कही थी कि प्रोटीन की जो इंटैक्ट फंक्शनिंग है वो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी इसके ऊपर प्रॉपर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है, उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उसके कौन कौन से अमाइनो एसिड किस किस्म का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फाइनली उसके थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। इट मीन्स कि अगर आपके एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है तो एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। अगर इन तीनों में से किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज आया तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो आप लोगों ने जस्ट लाइक द प्रोटीन, यहाँ पे एंजाइम के लिए भी ये चीज याद रखी है कि अगर एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, इट मीन्स के एंजाइम को भी एक इंटैक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर इन तीनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी लेवल के ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज आता है तो अल्टीमेटली वो एंजाइम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को क्या कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है। तो जस्ट लाइक द प्रोटीन, एंजाइम के लिए भी ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के अगर हम एक्टिव पोर्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम आप अगर देखें तो इनके अंदर एक खास किस्म का पोर्शन प्रेजेंट होता है जो कि सब्सट्रेट के साथ बाइंड करता है और उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं कि दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट को हम फर्दर टू साइट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लाइक एक्टिव साइट का एक खास पोर्शन ऐसा होता है जो कि सबस्ट्रेट को सिर्फ बाइंड करता है। लाइक ये आपके पास एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए यूज होंगे, ये कैटालिसिस में किस्म का रोल प्ले नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पे हो सकता है कि आपकी सबस्ट्रेट के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो और आपके यहाँ पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड की साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बनेगी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करवाना है। जो आपका कैटालिसिस का मैकेनिज्म है या जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म है वो हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट किसी अमाइनो एसिड की वजह से हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो जिस अमाइनो एसिड का कोई ग्रुप एस्पार्टिक एसिड है अगर, तो वो यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करके तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करे। तो एक्टिव साइट को फर्दर हम दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट पोर्शन इज बाइंडिंग साइट, और बाइंडिंग साइट में ऐसे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि सबस्ट्रेट को सिर्फ बाइंड के मिलते हैं, ये उसमें किसी किस्म की केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाते। दूसरी तरफ आपके पास इसी एक्टिव साइट का एक ऐसा पोर्शन भी होता है जिसमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड रेसिड्यूज सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी प्रोटोनेशन या डी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन या डी प्रोटोनेशन के थ्रू कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे रिलीज करेंगे या स्पेसिफिक ग्रुप्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपके पास जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पोर्शन है एक्टिव साइट का, दिस पोर्शन इज कैटालिटिक साइट जिसमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कैटालिसिस में यूज होंगे। ठीक है, तो आपका जो पूरे का पूरा एक एंजाइम है, इस एंजाइम की फंक्शनिंग तभी इंटैक्ट होगी या ये एंजाइम तभी फंक्शन परफॉर्म करेगा जब इसकी एक्टिव साइट में ये दोनों साइट जो है वो इंटैक्ट होंगी। सपोज अगर यहाँ पे बाइंडिंग साइट में कोई म्यूटेशन आ गई है और म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी बाइंडिंग साइट बिल्कुल इंटैक्ट है और आपकी जो कैटालिटिक साइट है, कैटालिटिक साइट में प्रेजेंट कोई अमाइनो एसिड म्यूटेट हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी सबस्ट्रेट बाइंड तो कर रही है लेकिन वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरेगी। इट मीन कि आपकी जो एंजाइम है उस एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट दोनों साइट, बाइंडिंग साइट एज वेल एज कैटालिटिक साइट, दोनों साइट का इंटैक्ट होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से किसी भी साइट में किसी किस्म का कोई चेंज आता है तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकेगा। इज इट?
इसका मतलब है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट की शेप का भी सही होना जरूरी है, बिकॉज अगर शेप इस फॉर्म में नहीं होगी, एंजाइम की जो फोल्डिंग है वो डिसरप्ट हुई, शेप चेंज होगी, तो डेफिनेटली वो सब्सट्रेट को बाइंड नहीं करेगा। और उसकी शेप के साथ साथ उसका जो केमिकल इन्वायरमेंट है, केमिकल इन्वायरमेंट मीन्स कि यहाँ पे जो जो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट में है और जो जो अमाइनो एसिड कैटालिटिक साइट में है, उन अमाइनो एसिड का जो है वो उसकी फंक्शनिंग पे चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो इम्पैक्ट है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एंजाइम है वो तब तक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसके केमिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वी कैन कंक्लूड कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी एक्टिव साइट की शेप एज वेल एज उसकी एक्टिव साइट का जो केमिकल इन्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें जो है वो क्रूशियल है फॉर दी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अगर इन दोनों में से कोई सी भी चीज जो है वो चेंज हो गई, लाइक शेप चेंज होगी तो तब भी वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, और अगर केमिकल इन्वायरमेंट का जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मैं उन अमाइनो एसिड्स की बात कर रही हूँ जो एक्टिव साइट में प्रेजेंट है। तो अगर केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो उसकी वजह से भी एंजाइम वर्क नहीं कर सकेगा, और अगर एंजाइम की शेप चेंज हो गई एक्टिव साइट की तो तब भी वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। सो फॉर दी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम उसकी शेप और केमिकल इन्वायरमेंट दोनों का इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। समटाइम किसी एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपका ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम का जो है वो प्रोटीन कंपोनेंट है, बट दिस प्रोटीन कंपोनेंट इज इनएक्टिव, ये प्रोटीन कंपोनेंट सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर रहा, इसकी शेप वैसी है कि ये सब्सट्रेट को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। Only if this cofactor will bind to this this protein component, तो तब आपके पास उस enzyme की shape ऐसी होगी कि ये substrate के साथ bind करेगा। It means कि there are many enzymes जिनको अपना function perform करने के लिए protein part के साथ साथ non-protein part की भी जरूरत होती है, ठीक है? और इस non-protein part को हम cofactor या coenzyme कहते हैं। लेट्स सी कि कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोफैक्टर है और कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोएंजाइम है, ठीक है? आपका जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको आप कहते हो एकोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको आप कोफैक्टर या कोएंजाइम कहते हो। अब कोएंजाइम आप कोफैक्टर उस केस में कहोगे जब आपका नॉन प्रोटीन पार्ट कोई मेटल आयन है, लाइक वो मैग्नीशियम हो सकता है, वो आयरन हो सकता है, या इसके अलावा कोई और मेटल आयन प्रेजेंट हो सकती है। तो जब भी आपका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कोई मेटल आयन होगा, लाइक यहाँ पे सपोज ये मैग्नीशियम है, तो इस केस में आप उस नॉन प्रोटीन पार्ट को स्पेसिफिकली कहोगे कि दिस इज कोफैक्टर। बट इफ आपका ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके पास एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है? और यहाँ पे भी आपके पास एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, तो इस केस में आप उस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहोगे, कोएंजाइम कहोगे, ठीक है? सो नॉन प्रोटीन पार्ट कोएंजाइम होगा अगर वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, और आपका नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाएगा अगर वो आपके पास कोई मेटल आयन है, ठीक है? अब कोएंजाइम में से कुछ कोएंजाइम्स को हम समटाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। ऐसे कोएंजाइम जो कि आपके एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच होते हैं, उन कोएंजाइम्स को आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कुछ कोएंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम ने जब सब्सट्रेट के साथ बाइंड करना है तो तब आके फैसिलिटेट करते हैं इस केमिकल रिएक्शन को, और जब प्रोडक्ट बन जाती है तो वो कोएंजाइम अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है, ठीक है? इसको आप कोएंजाइम ही कहोगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो एंजाइम है इसके साथ आपका कोएंजाइम कोवलेंटली अटैच रहता है, ये सब्सट्रेट के साथ बाइंड करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद भी एंजाइम के साथ ये कोएंजाइम कोवलेंटली अटैच ही रहेगा। तो अगर आपका कोई कोएंजाइम एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच रहता है तो इस कोएंजाइम को आप कहते हो कि दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो सॉल्युबल है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ कैटालिसिस में हेल्प करता है और हेल्प करने के बाद वो एंजाइम से अलग हो जाता है, तो इस केस में आप उसे कोएंजाइम ही कहोगे। सो एंजाइम्स विच आर प्रोटीन इन नेचर, इनके साथ कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन पार्टनर्स भी होते हैं, जिनको हम टू ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। अगर तो आपका वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो है वो कोई मेटल आयन है तो आप उसे कोफैक्टर की क्लास में रखोगे,
और अगर वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप उसे कोएंजाइम की क्लास में रखोगे। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रीली अटैच है या फिर वो कोवलेंटली अटैच है, इस बेस पे आप उसे कोएंजाइम या प्रोस्टेटिक रखोगे। अगर तो वो फ्रीली अवेलेबल है और वो रिएक्शन के बाद डीटैच हो जाता है एंजाइम के बाद, तो आप उसे कोएंजाइम ही कहोगे। लेकिन अगर वो कोवलेंटली अटैच है, यानी ना तो सब्सट्रेट बाइंडिंग से पहले वो रिमूव हुआ था और ना ही केमिकल रिएक्शन के बाद रिमूव होगा, वो एंजाइम के साथ हमेशा कोवलेंटली अटैच रहेगा, उस केस में आप उस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को कहोगे कि दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड इट्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका प्रोटीन कंपोनेंट भी है और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी है। तो को एंजाइम है ना या को फैक्टर ये आइसोलेटेड फॉर्म में, ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है और दूसरा आपका जो एंजाइम है दिस इज प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है। अब उन को फैक्टर्स को जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि आपके कुछ को फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच रहते हैं, ठीक है। ये एंजाइम हमेशा अपनी होलो एंजाइम फॉर्म में रहेगा, यानी एन एपो एंजाइम अटैच टू दी प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये हमेशा अपनी कौन सी फॉर्म में रहेगा, होलो एंजाइम फॉर्म में रहेगा, ये एपो एंजाइम की फॉर्म में नहीं आएगा बिकॉज प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके साथ कोवलेंटली अटैच है। लेकिन अगर आपका एपो एंजाइम किसी को फैक्टर या को एंजाइम के साथ जो है वो इंटरेक्शन डेवलप करता है, तो उस केस में आप इसको जब फ्री फॉर्म में है तो एपो एंजाइम कहोगे, और जब ये अपने को फैक्टर या को एंजाइम के साथ अटैच है तो उस केस में आप इसे कहोगे होलो एंजाइम। लेकिन अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो चूंकि ये कोवलेंटली अटैच रहता है इसलिए ये एंजाइम हमेशा अपनी होलो एंजाइम फॉर्म में ही रहेगा।